नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय। कृषि क्षेत्र में शोध और विकास के लिए जर्मनी देगी वित्तीय मदद। देशों के बीच हुए समझौते में साल 2025 तक 2400 करोड़ रुपए का रियायती कर्ज का प्रावधान। मुंबई पुलिस ने मनसे कार्यालय के लाउडस्पीकर जब्त किए और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर औरंगाबाद में राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। मनसे प्रमुख ने फिर से की खास अपील। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर सियासी घमासान तेज। राज ठाकरे के घर की बड़ी सुरक्षा। रेलवे का तुगलकी फरमान, आराम के नाम पर कर्मचारियों के भोजन पर लगाम, स्टाफ के रनिंग रूम से बाहर निकलने पर रोक। अखिलेश को लेकर फिर छलका, शिवपाल का दर्द, बोले हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदता चला गया। प्रयागराज मास मर्डर में इंस्पेक्टर गैंग का हाथ, छात्र बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 7 लोग हुए गिरफ्तार। शिमला सहित 5 शहरों के लिए हिंडन एयरपोर्ट से मिलेगी फ्लाइट, जल्द शुरू होगी सेवा। रामनगरी अयोध्या में बनेगा मिनी शांति कुंज, डॉक्टर चिन्मय पांडे करेंगे नव निर्माण का शिलान्यास। रूस ने मारियोपोल स्टील प्लांट पर किया हमला, सैनिकों के साथ सैकड़ों की संख्या में नागरिक भी फंसे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, युद्ध को खत्म करने की वार्ता को लेकर गंभीर नहीं है यूक्रेन। ब्रिटिश पीएम ने यूक्रेन की संसद को किया संबोधित, कीव की सैन्य मदद में $376 मिलियन और देने का ऐलान। उत्तर कोरिया ने फिर किया बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, प्रायद्वीप के दूसरे देशों की बड़ी चिंता। अमेरिका में महामारी की शुरुआत से अब तक 1,30,00,000 बच्चे कोविड-19 से हुए संक्रमित, पिछले 4 हफ्ते के दौरान तेजी से बढ़ा आंकड़ा। संजू सैमसन ने राहुल द्रविड़ को लेकर दी प्रतिक्रिया, बताया उनके साथ बिताए 3 से 4 साल। तेज गेंदबाजों की अच्छी फसल तैयार कर रहा गंगा यमुना का उर्वर मैदान, देश को मिल रहे हैं फास्ट बॉलर्स। शिखर धवन की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर पंजाब ने गुजरात को 8 विकेट से हराया। टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले प्लेयर बने राशिद खान, ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑरेंज कैप की सूची में बटलर और राहुल का एक दूसरे को पीछे करने की होड़, नंबर 1 पर बरकरार है बटलर। कबीर खान ने बजरंगी भाईजान के गाने चिकन कुकड़ू कू को बताया सबसे पॉलिटिकल, कहा वो हमारी राजनीति को बताता है। अजय देवगन की रनवे 34 पर भारतीय पायलट फेडरेशन ने साधा निशाना, सच्ची घटना पर आधारित होने के दावे को बताया झूठा। सलमान खान ने 2 साल बाद फैंस को दी ईदी, एक्टर की एक झलक देखने के लिए उमड़ी हजारों प्रशंसकों की भीड़। ब्रेकअप की खबरों के बाद पहली बार साथ नजर आई कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो हुआ वायरल।
अर्पिता और आयुष शर्मा की पार्टी में उमड़ा बॉलीवुड। दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, शहनाज गिल और कियारा ने लगाया ग्लैमरस का तड़का। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो